हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, बल्कि भले चंगे होंगे। तो अपने व्लॉग की शुरुआत में सुबह से कर रही हूँ। मैंने सोचा आज व्लॉग डाला जाए। कुछ समय से मैंने अपने चैनल में व्लॉग नहीं डाले हैं। मैं अपने दूसरे जो चैनल है मेरा उत्तराखंड डीपी, मैं तो डेली लगभग व्लॉग डालती ही हूँ, तो आज मैं इसमें भी व्लॉग ही डाल रही हूँ। मैंने नहा लिया है और मैं नहाने के बाद हमेशा ये एलोवेरा जेल लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं भी लगाऊं तो मैं इसको जरूर लगाती हूँ। वाव का थोड़ा सा मैं लेती हूँ इसे माइनर सा। अरे यार, निकल क्यों नहीं रहा है भाई? निकल ही नहीं रहा है, कुछ हो गया। ये देखिए, थोड़ा सा लिया और अपने केस में मैं इसे लगा लेती हूँ। कहीं जाती हूँ तो मैं फाउंडेशन वगैरह लगाती हूँ, कोई फंक्शन हो, और डेली में मैं मोस्टली यही लगाती हूँ। इयर रिंग रात को उतार देती हूँ तो पहन लेती हूँ। कभी होता है थोड़ा सा जो ये मेरा लैक्मे का फेस बॉर्डर है उसे थोड़ा सा लगा देती हूँ अपने फेस में। क्रीम वगैरह मैं कम ही यूज करती हूँ, हल्का सा लगाया। और ये लैक्मे की ही लिपस्टिक है, कभी लिप लाइनर लगा देती हूँ, कभी नहीं लगाती, कभी डायरेक्ट इसको हल्का सा अपने लिप्स में। लाइट सा बस लगा देती हूँ। बिंदी लगी हुई, वरना मैं शिल्पा बिंदी यूज करती हूँ छोटी सी, यही लगाती हूँ। बस मेरा ये मेकअप हो गया, मतलब कंप्लीट मेकअप, बस मैं इतना ही करती हूँ। और अभी मुझे मार्केट जाना है। थोड़ा सा मुझे बताया था कि भट्ट के डुबके बन रहे हैं, नहीं सॉरी, भट्ट का ज्वाला बन रहा है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो बस मैं अपने बाल बना रही हूँ और मैं बच्चों के साथ जाती हूँ धनिया, हरा धनिया लेने, हरी मिर्च की, नमक के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर। तो मैं अब चलती हूँ चौराहे तक धनिया लेने के लिए। मास्क आए भाई, हो गई तैयार, मास्क पहन लिया है। ये है हमारा मोहल्ला या कॉलोनी। मैं का थोड़ी सी वीडियो शूट करती हूँ। ये है हमारा जो मोहल्ले का मंदिर, त्रिपुरेश्वरी मंदिर शक्तिपीठ, उसका बैक साइड है ये साइड का पोर्शन। बच्चों का मूड हो रहा है कि कुछ मिल्क शेक टाइप किया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना एप्पल बनाना शेक बना दिया जाए। तो मैंने उसके लिए लिए हैं दो बनाना, एक एप्पल, लगभग एक कप इसमें दूध है। तो सबसे पहले मैं जो ये एप्पल है इसे मैं छील लेती हूँ। पहले मैं इसके पीस कर लेती हूँ और फिर इसे मैं छील करके इसके छोटे छोटे इस तरीके से मैं पूरे एप्पल को छील लूंगी।
बहुत से लोग पूरे एप्पल को ही छील लेते हैं, लेकिन मुझे ये ज्यादा सजीला लगता है, तो जिसे जिसमें कम्फर्ट लगता है वो उस तरीके से यूज करता है। ऐसे मैं सारे पूरे एप्पल को, ये देखिए मैंने सेब छील लिया है, अब मैं थोड़े से सेब के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी बॉटम में डालने के लिए ग्लास में, और जो सेब है और को पीसने के लिए डाल दूंगी। खाली एप्पल शेक भी अच्छा लगता है, आप चीनी भी डाल सकते हैं, इसके अलावा शहद का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसा आप डालना चाहें। मैं तो खैर आइसिंग शुगर डाल रही हूँ, बहुत से लोग इसमें चीनी नहीं डालते हैं ये मिल्क शेक वगैरह में, सीधे उसमें शहद डाल देते हैं। अब मैंने ये मोटे मोटे पीस करके मैं इसमें डाल दे रही हूँ एप्पल के, अब जो बनाना है वो भी मैं छील के इसमें ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ, चाहे तो आप आइस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आइस ही डाल रही हूँ वरना ये बहुत ठंडा हो जाएगा। इसमें अब थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं आइसिंग शुगर, बस एक चम्मच ही डाल रही हूँ, क्योंकि एप्पल और बनाना अपने में बहुत मीठा होता है। अब इसे पीस लेती हूँ। तो ये हमारा जो मिल्क शेक है वो पीस गया है, अब थोड़ा सा हम बॉटम में डाल रहे हैं एप्पल, और अब जो मेरा ये मिल्क शेक है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है पीने में, क्योंकि थोड़े पीसेस भी आते हैं एप्पल के और बनाना के, तो क्रंची क्रंची सा बहुत अच्छा लगता है। जरा मैंने कम कम ही बनाए हैं, क्योंकि बच्चों को पिलाऊंगी। थोड़े से ऊपर से मैं डाल देती हूँ एप्पल के पीसेस, आप चाहे तो अभी मतलब मैं एक में शिफ्ट कर देती हूँ इसे। ये डाल दिया हमने एप्पल पीसेस, तो ये हो गया हमारा एप्पल बनाना शेक तैयार। और एज यूजल हर बार की तरह थोड़े से हम डालते हैं इसमें रेनबो बॉल्स, लुक अच्छा आता है, बच्चे अच्छा मानते हैं, और थोड़ी सी सौंफ, बच्चों की पसंद की मैंने सौंफ भी रखी है, तो इसको मतलब ऐसे बच्चे पीना बहुत पसंद करेंगे। तो ये हो गया हमारा एप्पल एंड बनाना शेक तैयार। बच्चे ये जो एप्पल बनाना शेक है पी रहे हैं, बताओ बच्चों कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया है, तो चलो पियो और इंजॉय करो। अब रात का खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज हमारा सपोर्ट कीजिए, हमें कमेंट करा कीजिए, फुल वॉच करा कीजिए, हमें पता चल जाता है कि कोई मतलब कितने लोग हमें फुल वॉच कर रहे हैं, कितने फुल वॉच नहीं कर रहे हैं, मिनट से पता चल जाता है, इवन ये तक पता चल जाता है कि फेसबुक जैसे अगर हम इन चीजों में डालते हैं कितना वो लोग उसमें वॉच कर रहे हैं, कितना यूट्यूब से वॉच हो रहा है, इवन हमें ये भी पता है कितने वुमेन्स देख रही हैं, कितने मेंस देख रहे हैं, सब चीजें हमें YT स्टूडियो से पता चल जाती है। तो प्लीज हमारा सपोर्ट कीजिए और फुल वॉच करा कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।